का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। गाड़ी कौन सी चूज करनी है उस पर तो बात होगी होगी, साथ में खरीदने के बाद क्या क्या दिक्कत आती है उस पर भी होगी, और वो सब हमें बताएंगे इस गाड़ी के ओनर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। थैंक यू थोड़ा सर। सा अपने बारे में बता दीजिए। सर, मेरा नाम अभय सिंह बिश्ते है, मैं अच्छा पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, और ये गाड़ी आपने कब ली? ये मैंने ली अक्टूबर 2022 में। अच्छा, अक्टूबर 2022 का मतलब ये मॉडल है, तो अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है इसको, बहुत छः ज़्यादा फिर महीने 6 महीने हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी गाड़ी पे जो है हमने एक बार इसका माइलेज टेस्ट भी करा था, जी। और वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि माइलेज कितना है। बट आज का मुद्दा जो है उस पर बात करते हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गाड़ी जो है आपकी पहली गाड़ी है या इससे पहले भी आपने कोई गाड़ी रखी है? ये पहली गाड़ी है मेरी अच्छा, ये पहली गाड़ी जी। है, और जैसा भी आप बता रहे थे कि चलाना भी आपने इसी गाड़ी में सीखा है, जी हाँ। पहले मतलब आपको नहीं आता था तो इसी में आपने इस गाड़ी को चलाना सीखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये वीडियो, क्योंकि एक व्यक्ति जो मतलब अपनी पहली गाड़ी ले रहा है और उसको उसको चलाना भी इसी गाड़ी में था, तो क्या क्या आपने सोचा हमें थोड़ा बताने का, थोड़ा डिटेल में बताना कि आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी? मैंने देखी किया में गया था, मैं किया हाँ सेल्टॉस सोनेट दोनों देखी मैंने। अच्छा उसके बाद एक्सयूवी 300 भी देखी, फिर नेक्सॉन भी देखी। अच्छा हाँ ये सब है। अच्छा तो नेक्सॉन रिजेक्ट कैसे कर दी यार, मतलब आज के टाइम पे तो सबकी फेवरेट है वो गाड़ी। सोन रिजेक्ट करने का रीजन ये था, एक तो प्लस वो 3 सिलेंडर इंजन है, हाँ। और उसमें फिर जब उसका स्टार्ट किया वहाँ तो उसमें वाइब्रेशन बहुत थे। वाइब्रेशन थे जी तो हाँ इस वजह से जो है आपने हाँ फिर ब्रीजा में जाना मैंने वो किया ब्रिजा में ज़्यादा, तो अच्छा फिर आप ब्रिजा में भी गए होंगे देखने के लिए, जी। इस पे क्या डिफरेंस लगा फिर आपको? इसमें वाइब्रेशन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, और प्लस जो इसका इंजन है 1500 सीसी का था, 1500 सीसी और का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ। कोई इसका रिफाइनमेंट भी सुना देता हूँ एक बार कि बिल्कुल। कैसा है करके, तो एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट तो करता भैया हूँ, ये होता है ब्रिजा ओनर का कॉन्फिडेंस, देखिए आइए। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिजा ओनर जो है भैया सीधे चैलेंज कर दे रहे मुंह के सामने कि देख लो रिफाइनमेंट मेरी गाड़ी का, तो मैं इस चीज को प्रेज भी करूंगा, बहुत अच्छी बात है। ये मैं स्टार्ट करा इसका आपने, इसका बोनट खोलिए जरा। बिल्कुल बोनट खोला मैंने। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही साइलेंट, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड तो मुझे लग रहा है आपने जो बोला, और सभी जानते भी हैं इस चीज़ को। और भाई साहब आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, अभी बहुत सी बातें बची हुई हैं, काफ़ी राज खुलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि खरीदना चूज़ तो कर ली लेकिन खरीदने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं उसके बारे में अभी हम चलाते चलाते बात करेंगे। तो चलिए, चलिए सर। तो भाई साहब आ गया हूँ ब्रिजा के अंदर, और सच में दिल में क्या आवाज़ आ रही थी यार, मारुति बनाता क्या है मतलब क्या इंजन बनाता है ये, कोई आवाज़ ही नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, और गाड़ी बहुत ही स्मूथ फील हो रही है। तो अभी ये ब्रिजा का कौन सा वेरिएंट है? ये ब्रिजा BXi है अच्छा, ब्रिजा VXi है जी। ये ना। कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये मुझे 1086 ऐसे की बैठी थी 1086 की ऑन रोड पड़ गई थी। जी अरे यार वाह, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको फीचर भी अच्छे खासे मिले हैं गाड़ी में हाँ, सब कुछ आपको? साइज में हाँ इनबिल्ट। सारी चीज़ें, मतलब आपको बाहर से कुछ लगाया है इसमें? अभी तक तो कुछ नहीं लगाया है। कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये भी बेनिफिट है कि बाहर से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वारंटी भी नहीं जाएगी गाड़ी की, जी आपकी वारंटी भी जी बनी रहेगी। वैसे तो LXi को लोग इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट कहते हैं, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें आपको बाहर से चीज़ें लगानी पड़ती हैं जिससे आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। और जो लोग पूछते हैं कि यार वारंटी जाएगी कि नहीं जाएगी, वारंटी 100% जाती है, आप अपना मैनुअल पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा होता है कि बाहर से अगर कुछ लगाएंगे या कोई भी छेड़खानी होगी तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी गाड़ी की। ये आपका अपना रिस्क है और साथ में आपके सर्विस सेंटर वाले की अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसा अभी हमने बात करी थी कि आपने गाड़ी चूज़ तो कर ली है, मतलब हमने दर्शकों को बताया कि आपने क्या सोच के ये गाड़ी ली, लेकिन गाड़ी लेने के बाद जो है कुछ दिक्कतें आई हैं आपको, आपने बताया था जैसा मुझे, वो क्या थी? मतलब आपने जब ब्रिजा सेलेक्ट कर ली, ठीक है जी। वहाँ से कहानी को स्टार्ट करिए कि जब आपने ब्रिजा सेलेक्ट कर ली उसके बाद जब आप गए लेने के लिए तो क्या हुआ? मैंने ब्रिजा बुकिंग करी थी, जी उनने कहा 3 मंथ वेटिंग पीरियड है, हाँ तो मैंने कहा ठीक है भैया, 5000 रुपये मैंने देके उनको बुकिंग कराई थी अपनी गाड़ी। जी तो उसके बाद उनका 3 मंथ में कुछ समय बचा था, हाँ 10-15 दिन, तो उससे पहले उनका कॉल आया था, हाँ तो उनने मुझसे कहा सर आपकी गाड़ी आ गई है, हाँ आप 2 लाख रुपये RTGS कर दीजिए हमारे उसमें, या आपके नाम में हम रोक देंगे इसको। अच्छा, तो तो मैंने कहा मतलब ठीक थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे टोकना पड़ा चाहूँगा मैं जी आपको, मतलब आपने गाड़ी 3 महीने पहले बुक करा ली थी, जी फिर आपकी जब गाड़ी आई तो आपसे बोला गया कि 2 लाख रुपए जी दे दो, RTGS कर दीजिए।
फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं करा देता हूँ। हाँ मैंने कहा, फिर हम मैं और मेरी वाइफ शोरूम भी गए थे। हाँ। और गलती से उस दिन हम चेकबुक ले जाना भूल गए, वो बेड में रखी थी, वो बेड की बेड में ही रह गई। हाँ। तो मैंने कहा, फिर दूसरे दिन संडे था। हाँ। तो मैंने कहा मंडे को आके मैं दे दूंगा आपको चेक। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मुझे दूसरे दिन कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी तो आ गई है लेकिन इसमें हमने 50,000 रुपए की एक्सेसरीज लगाई है। अच्छा, अपने मन से लगा दी जी? हाँ, इसमें अलॉय ए टू जेड चीज सब कुछ हमने लगा दिया है। हाँ, हाँ। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो आपको 50,000 रुपए की एक्सेसरीज लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया मैं 50,000 रुपए की एक्सेसरीज क्यों लूं? हाँ। ये लेने तक तो मैं ZXI ले लूंगा। ZXI ले लूंगा, सही बात है। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा एक्सेसरीज मैं नहीं लूंगा। तो वो मुझसे बहुत रूडली उस तरीके से बोलने लगे कि अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसी लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, और ये सब बातें जो हो रही थी और रिकॉर्ड हो रही थी, कॉल रिकॉर्ड हो रही थी, मतलब आपके पास इन बातों का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। जी, जी। तो उसके बाद मेरे एक नोन है एक जो मारुति सेल्स में ही है। अच्छा, दिल्ली। हाँ, तो वहाँ मैंने उनसे शेयर करी है बात। हाँ, हाँ, तो उनने मुझसे रिकॉर्डिंग्स भी ये सब चीजें मांग ली। हाँ, 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 तो फिर उसके बाद उनने मुझे गाड़ी दिलवाई बिना कोई भी एक्सेसरीज के। अच्छा, मतलब ये है कहानी कि भैया गाड़ी लेनी है तो एक्सेसरी खरीदो जी, शॉर्ट में अगर हम बात करें, नहीं तो रहने दो। और अगर आप 2 लाख रुपए दे देते ना फिर आप फंस जाते। जी हाँ, उसके बाद में फंस जाता, वो गलती से मेरी चेकबुक वहीं रह गई घर में। और फिर ऐसा होता है कि घर में नई गाड़ी आ रही होती है तो कोई नेगेटिविटी नहीं लेना चाहता है, वो सोचता है कि यार चलो हटाओ ये भी ले लो दे दो, मेरी गाड़ी में तो लग रहा है। लेकिन जब अगर आपको नहीं चाहिए जो चीज़ तो आप उस चीज़ को क्यों लेंगे वाली बात है ना। जी हाँ। और इंसान अपग्रेड करता है, एक्सेसरी लगाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक साथ लगाए, वो रुक रुक के भी लगा सकता है ना। जी। गाड़ी खरीदते समय वैसे भी गाड़ियाँ जो हैं इस टाइम पे इतनी ज़्यादा महंगी हो रही हैं, साथ में जो है रोड टैक्स ये टैक्स वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और एक साथ में ये शोरूम टैक्स भी आ गया है। भाई साहब, मतलब आपको रोड टैक्स भी देना है, आपको GST भी देना है, ठीक है वो तो चलो जेन्युइन चीज़ है, फिर इंश्योरेंस के बड़े हुए दाम भी देने हैं, उसके बाद भी पूरा नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या करना है आपको, शोरूम का टैक्स भी देना है जो कि है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज और ये हर जगह है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ मारुति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं केवल हमारे शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी शिकायतें हमारे पास भी बहुत आती हैं। लोग कहते हैं कि हमारा मुद्दा उठाओ, बट वो हमसे बहुत दूर होते हैं, बट आप नज़दीक थे तो आज दर्शकों को ये जानने को मिला, और आपने जो है जब आपकी कोई जान पहचान वाला निकल गया तब आपको गाड़ी मिली है। तब मिली मुझे गाड़ी। हाँ। नहीं तो नहीं मिलती। नहीं तो नहीं मिलती गाड़ी, वो किसी और को देते। किसी और को दे देते। रूम में भी एक व्यक्ति मिले थे। हाँ। जो यही VXI मॉडल ले रहे थे। अच्छा, तो उनकी फुली लोडेड गाड़ी थी वो। हाँ। एक्सेसरीज से। हाँ। तो उनने मुझसे आगे पूछा भी। हाँ। कि आपकी गाड़ी तो सिंपल है और मेरी गाड़ी इतनी महंगी मिल रही है। हाँ, 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 तो मैंने कहा आप क्या बताऊ मैं आपको, मैंने कहा मुझे ऐसी दी, आपको ऐसी दी। अब उनको दर्द भी क्या बताते कि भैया ऐसा है कहानी ना। जी कोई बात नहीं, लेकिन वो ठीक है, गाड़ी अगर एक्सेसरी लग भी रही है तो अपनी गाड़ी में लग रही है, लेकिन आदमी अपने उससे चूज करे ना। जी। ऐसा ना हो कि 50,000 की लगा दी, 70,000 की लगा दी, अब दो। जी हाँ। आप लेते हैं उनसे एक्सेसरी? 50,000 की तो मुझसे कह रहे थे, वहाँ जाने के बाद वो 1,00,000 कह रहे थे। अच्छा, क्योंकि अलॉय 40,000 रुपए के होते हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप नहीं लेते, आप वहाँ से गाड़ी ले रहे थे तो आप लेते ना, अगर आपको फोर्स नहीं करते तो शायद आप कुछ ना कुछ एक्सेसरीज लेते ही वहाँ से। हाँ, मैं लेने वाला था ना, आप गाड़ी में कुछ ना कुछ लगाते हैं, लेकिन वो एक जबरदस्ती वाली बात होगी ना, ब्लैकमेलिंग वाली बात होगी, तो वो तो यार। और फिर भी मतलब बहुत से रूडली तरीके से एकदम। हाँ, बहुत लेनी है तो लो, नहीं तो भारत में जाओ। अच्छा, और जो दर्शक इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उन लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो है हार ना माने। देखिए, आप अगर ऐसे हार मानेंगे तो इन लोगों के हौसले जो हैं और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे, मतलब हर किसी को एक्सेसरी ही लेनी पड़ेगी फिर गाड़ी लेने के लिए, मतलब ये होगा कि हम यह गाड़ी लेनी है तो एक्सेसरी भी लो। तो आप लोग भी कभी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग पूरी करें, साथ में हर शोरूम पे ऐसा नहीं होगा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलर इसी शोरूम पे भी ऐसा होगा, काफ़ी शोरूम पे आपको एक्सेसरी खरीदनी पड़ेंगी, कई काफ़ी शोरूम पे आपको ऐसी गाड़ी मिल जाएगी सिंपल बिना एक्सेसरी के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अभय कि आप चैनल पे आए और अपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। और आशा करते हैं कि जब आप गाड़ी को थोड़ा सा और चला लें तो इस गाड़ी का भी रिव्यू हम लेंगे अच्छे से, कि चलने में कैसी है और चीज़ों में आपको कैसी लगी गाड़ी, इसके बारे में भी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। बट इस वीडियो का जो थीम था वो ये था, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।